नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 की चुनावी आहट के बीच में प्रदेश की सियासत का पारा गरमा रहा है। सियासतदानों के बीच में जमकर जुबानी जंग हो रही है। बीजेपी जहां हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, तो फिर कांग्रेस सरकार की खामियों और कमियों के सहारे सत्ता तक पहुंचने का दावा कर रही है। अब दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर किसान और मजदूरों को धोखा देने के आरोप लगाए। इसके साथ ही जेजेपी के चुनाव चिन्ह को लेकर के भी निशाना साधा, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों के साथ सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने किसानों को 1 या 2 रुपए के चेक मुआवजे के तौर पर देकर उनके साथ मजाक किया था। उनका कौन सा क्या है, क्या कहना है, क्या नहीं, ज्यादा सीरियसली लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये वही चाबी है जो खुंडी होगी। ये किसी ताले को खोलने में कामयाबी नहीं मिली। हरियाणा में उनकी दुकान पर ताला लग गया, ये ताली चल नहीं पाई, ये चाबी चल नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद राजस्थान में कोई सी वो चाबी कहीं किसी ताले पे फिट बैठे, वहाँ भी लोगों ने उनको नकारने का काम किया। इन्होंने लोगों को धोखा दिया। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी ने अपने मतदाता को धोखा दे के दोबारा से बीजेपी की सरकार बनाई। इन्होंने बड़े बुजुर्गों को धोखा दिया है, 5100 पेंशन का के नाम पे समझौता किया, तक ना पेंशन आई। इन्होंने किसान आंदोलन में किसानों से धोखा दिया, तो महिला पहलवान आंदोलन में खिलाड़ी और महिलाओं का धोखा किया। तो ये तो विश्वासघात का प्रायवाची बन चुकी पार्टी। तो जंग किसको लगा है और कैसे आगे भविष्य में क्या राजनीति होगी, एक चीज तो साबित होगी कि आज उचाणा हरियाणा का एपिसेंटर बन चुका है वाद विवाद, और इसको किस मानसिकता से कांग्रेस माइंडेड या कांग्रेस लाइक माइंडेड लोग खराब करना चाह रहे, भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। और मैं एक चीज बता सकता हूँ, जितना हमने किसान को विकसित किया, योजनाएं बनाकर किसान को लाभ दिया, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के शासन में किसान की कभी सुध भी ली गई। 2-2 दिन ट्राली पे किसान अनाज बेचने के लिए सोता था, 2 महीने से पहले उस किसान की पेमेंट नहीं आती थी। वो भी दिन याद है किस तरह गोलियां और तक के अंदर किसानों की मारी गई थी। मुझे लगता है उनको अपना गरीबान देखना चाहिए, ना कि औरों पे आरोप लगाए। हमने तो बहुत अच्छा काम किया, भूपेंद्र हुड्डा की तरह 2-5 रुपए के चेक देकर किसान का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि पॉलिसी बनाई कि प्रत्येक एकड़ 15,000 से। बयान और ज्यादा भी दिलचस्प होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आप देखेंगे कि ये जो जुबानी जंग है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच में जो मूल सवाल हैं उसको किस नजरिए से देखा जाए, और जो आरोप प्रत्यारोप हैं उसको जनता किस नजरिए से देख रही है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। सुमित्रा चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित्रा चौहान जी स्वागत है आपका चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी आपका स्वागत। नितिन सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितिन सिंगला जी आपका स्वागत है। और रजवन डहिनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवन डहिनवाल जी आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले विवेक जी आज आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी आप वो बयान सुन रहे होंगे। पहले तो दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया आप लोगों को चुनाव चिन्ह को लेकर के, कहा कि भाई जो आपका अभी है उसमें जंग लग गया क्योंकि आप लोग राजस्थान में गए, वहां पर वो चला नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने जो वायदे किए वो आप लोग पूरा नहीं कर पाए, और इसलिए इस बार जब चुनाव में आप लोग जाएंगे तो जनता आपको सबक सिखाएगी। और दूसरी बार ये भी कहते हुए वो नजर आए कि कांग्रेस ही सरकार बनाने वाली है इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे, कैसे देखते हैं इसको? विवेक जी आपका रिएक्शन चाह रहा हूँ। आयुष भाई, आज कहीं ना कहीं आप उस आदमी के बारे अपना रिएक्शन देने के लिए कह रहे हैं जिनको उनके पिता खुद बारात की घोड़ी बता चुके हैं। आज वो बारात की घोड़ी हमारे बारे तरह तरह की बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस का क्या हालात है वो सबके सामने। बाबू बेटा के अलावा आज के दिन कांग्रेस में है क्या? कांग्रेस के ही नेता बाबू बेटा पे कटाक्ष करते हैं तो हम क्या करें? हम तो एक चीज जानते हैं कि ये भूपेंद्र हुड्डा की सरकार नहीं है जिसमें रोहतक से बाहर निकल के ही नहीं देखा। ये भूपेंद्र हुड्डा की सरकार नहीं है जिसने किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाव खरीदने का काम किया और जीजा जी को गिफ्ट में देने का काम किया। ये भूपेंद्र हुड्डा की सरकार नहीं है जहां 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए के चेक देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक करने का काम किया गया। आज अगर बात की जाए
मैं पिछले आंकड़े देख रहा था, अगर एनसीआरबी के पीबी के डाटा देखा जाए तो जब भूपिंदर हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे उस समय के जो एनसीआर पीबी के फंड्स थे वो एकमात्र रोहतक लोकसभा के ऊपर लगाए गए। आज हम बराबर सारी जगह फंड्स बांटने का काम कर रहे हैं। और अगर मैं दीपेंद्र हुड्डा की बात करूं, इनका तो एक रिकॉर्ड भी रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। ये जब तक इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तब तक ही चुनाव जीते, उसके बाद तो ये बरात की घोड़ी बन गए। उसके बाद अगर कोई चुनाव जीते हो तो बताएं, हमें तो एक चीज का पता है, हम काम कर रहे हैं, जनता से वादा किया था और जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता की सेवा कर रहे हैं, हम तो जनता के साथ हैं। आज वो लोग हमारे साथ बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना 9 साल में संगठन नहीं बना पाए वो सरकारें बनाने की बातें कर रहे हैं। आज उनके पास है क्या ये तो बताइए, या अगर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हो किसी एक जिला अध्यक्ष का नाम बता दे, किसी एक हल्का अध्यक्ष का नाम बता दे, किसी एक ब्लॉक अध्यक्ष का नाम बता दे, होगा तभी तो बताएंगे। हमारा तो बूथ लेवल तक का संगठन। ठीक है विवेक जी, देखिए आपने जो सवाल पूछा है, नितिन जी हमारे साथ हैं, मैं नितिन जी से उसका जवाब ले लूंगा और मुझे लगता है कि नितिन जी उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बात दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे, आप लोगों ने जो कि कहा चुनाव से पहले कि भाई देखिए राजस्थान के अंदर भी हमारी जो चाबी है उसी चाबी से सत्ता का ताला खुलेगा, उन्होंने कहा कि चाबी में जंग लग गया, तो अपेक्षित सफलता तो आपको नहीं मिली, तो इस तरह की तो प्रतिक्रिया लाजमी है कि उधर से आएगी। इनके इनके कहने से चाबी में जंग नहीं लगा, चाबी तो वहां जाके 60,000 लोगों का मत लेके आई, 60,000 लोगों ने विश्वास किया ताऊ देवीलाल की विचारधारा पे, और हमारी तो पहली पारी थी। कोई एक ऐसी पार्टी बताइए जो पहले दिन ही कामयाब होगी, हम तो पहली पारी थी, हम गए लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े और आगे भी लड़ेंगे। उनको तकलीफ किस बात की है, जो हरियाणा में अपना संगठन नहीं बना पा रहे, जो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, संगठन आप लोग बना नहीं पा रहे हैं। आज फोबिया हो गया है विपक्ष के तमाम नेताओं को, फोबिया हो गया है दुष्यंत चौटाला जी के नाम का। कारण उसका क्या है, एकमात्र ऐसा नेता उनको दिखता है जिसकी कोई काट नहीं है, जिसकी छवि पे कोई दाग नहीं है। आज के दिन बारी बारी दुष्यंत जी को टारगेट किया जाता है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, उनको एक ही चीज देखती है, इनका जो विजन। विवेक जी मैं आपका इशारा समझ गया किस तरफ है, मुझे लग रहा है उधर से भी प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन पहले मैं नितिन जी से रिएक्शन लेता हूं। नितिन जी जवाब दीजिए, संगठन नहीं है आपका, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके ताले में जो है चाबी में जंग लग गया है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग? देखिए सबसे पहले तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे साथी प्रवक्ता जेजेपी से इतनी बड़बोली बातें किस प्रकार से लोगों के लिए इस्तेमाल, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो एक बड़ी आश्चर्य की बात है। परंतु देखिए जेजेपी का जहां तक इतिहास, बता भी दे कौन सी बड़बोली बात थी। देखिए जब मैं बोला नहीं विवेक जी अभी सुनते हैं, देखिए अभी सिंगला जी का समय है, नितिन जी ठीक है, नहीं नहीं विवेक जी मैं लेता हूं, ठीक है ठीक है, एक सेकंड अभी नितिन जी, नितिन जी ठीक है, आप सुनिए अभी आप सुनने की जोड़ी हमने नहीं कहा ऐसा, आप ठीक है लोग सुनने की, विवेक जी सुनिए, हां सुनिए, हां नितिन जी ठीक है, आपकी बौखलाहट समझ सकते हैं लेकिन सुखने सुनने की क्षमता रखिए। देखिए जहां तक जजपा की बात है, जेजेपी की, जेजेपी ने जब 2019 में विधानसभा के चुनाव की तैयारी करी, अपना संगठन तैयार करा, तो जहां तक लोगों को ध्यान है, लोगों के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाके इन्होंने वोट मांगे और एक नारा लगाया कि भाजपा को करो यमुना पार। और जैसे ही चुनाव हुए, जब सरकार बनाने की बारी आई, तो वही क्षेत्रीय दलों का जो मुद्दा आजकल चल रहा है, अपने आप को साबित करते हुए इन्होंने एक मिनट में भाजपा और जजपा हो गए आपस में यार। अब देखिए जेजेपी की जो परिस्थिति है, जाके पहले अपने घर में झांके, दादा गौतम क्या कहते हैं उनसे जाके पूछें कि लगातार किस तरीके से वो अपनी विधानसभा के पटल पर आए हैं और किस तरीके से जेजेपी की 16 सीटों पर राजस्थान के अंदर जमानत जब्त हुई है, सारा तंत्र मंत्र संत्र वहां पर लगा दिया, हरियाणा के सारे कार्यकर्ताओं को वहां पटक दिया और उसके बाद में क्या मुंकी खानी पड़ी वो सबके सामने है। अब बात करते हैं विकास की, बड़े मुद्दों को लेकर भाई मेरे बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं 5100 रुपए की पेंशन का हरियाणा के बुजुर्ग बुड्ढे जो हैं, बुड्ढे बुढ़िया इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात, हम बात करते हैं सबसे पहले उचाना की, आप उचाना पे ही आ जाइए जहां से आपने झूठ बोल के बरगला के लोगों को, जो विधानसभा का चुनाव जीता उस विधानसभा की आज ऐसी हालत है कि दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं और यहाँ के जो विधायक हैं
दुष्यंत चौटाला जी को जनता को देखे हुए भी दिन हो जाते हैं। वहां की बहन बेटियों को स्कूल कॉलेजों में जाने के लिए आज दर दर भटकना पड़ता है। बस स्टॉप की घोषणा करी, वहां पर आज तक बस अड्डा नहीं बनवाया गया। इंटर कॉलेज की घोषणा करी, आज तक इंटर कॉलेज नहीं बनवाया गया। मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी, लेकिन नितिन जी वही तो विवेक जी कह रहे थे कि चलिए ठीक है, इन्होंने तो नहीं कि आप जनता के बीच में जाएंगे बताएंगे, लेकिन उनका भी तो यही कहना था ना कि आप लोग भी रोहतक से आगे तो निकले नहीं कभी, नहीं तो ये एमिनिटीज तो वहां पे पहले से भी डेवलप हो जानी चाहिए थी। मैं आप लोगों के ऊपर भी ये आरोप लगता रहा कि आप लोग एक ही क्षेत्र में विकास करते रहे। मैं आपको बताता हूँ हमारे भाई की आंकड़े कैसे गलत है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बात करते हैं रोहतक की, सबसे ज्यादा पैसा रोहतक में लगा। तो इनकी जानकारी के लिए बता दें कि फरीदाबाद में मेट्रो आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाए, हरियाणा के अंदर सोनीपत के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्कल सोसाइटी आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाए। इनके उचाना में ही, इनके जींद के अंदर ही सर छोटू राम जी के नाम से यूनिवर्सिटी आई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लाए। पूरे प्रदेश के अंदर जितना भी यूनिवर्सिटीज का, मेडिकल कॉलेजेस का, फुटवेयर यूनिवर्सिटी का, आईएमटीज का जितना भी जाल बिछाया, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे मानेसर हो, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में आई। आखिरकार इनसे कोई पूछे कि जो इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट पंच सरपंच जिला परिषद जिनके लिए मानदेय की घोषणा इन्होंने 5 से लेकर 7 हजार तक की करी, आज उचाना में जींद में इन्होंने क्या दिया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 घोटाले, सबसे बड़े घोटाले जिन 11 विभागों के आज मुखिया बने बैठे हैं दुष्यंत चौटाला जी, सबसे बड़ा शराब घोटाला देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो शराब आपके नेता को क्यों सांप सो गया था जब हमने फैक्ट्स मांगे, यहाँ गलत बात अगर आप कर रहे हैं बिल्कुल जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, घोटालों का आपने जिक्र कर लिया नितिन जी, ठीक है, एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड विवेक जी, विवेक जी, विवेक घोटाला हुआ एक्साइज डिपार्टमेंट में जो शराब की पेटियां जब्त करी, आपके बेटियां कहां गई, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। देखिए इस तरीके से समझ में नहीं आया। चलिए विवेक जी ना तो आपकी आपत्ति समझ में आ रही है ना नितिन संगला जी का सवाल समझ में आ रहा है, एक एक करके बोलने आप जवाब दीजिएगा आराम से, पहले एक बार कंप्लीट होने दे। विवेक जी आप आराम से उनका जवाब दे दीजिएगा, विवेक जी अपने समय में जवाब दे दीजिएगा। देखिए इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है ना, आप जो बोल रहे हैं ना वो समझ में आ रहा है ना नितिन जी की बात समझ में आ रही है, तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा। मैं बीच में नहीं बोला, बात सुनने की, ठीक है, हाँ नितिन जी कंप्लीट कर। दूसरी बात, धान घोटाला हुआ, 1310 राइस मिलों की धान की कमी हुई, उसकी जांच की गई, आखिरकार आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। सबसे ज्यादा पेपर घोटाला, लीक घोटाला आपके समय में हुआ, आपकी अपनी पार्टी के विधायक के पीछे हरियाणा सरकार की पुलिस, पंजाब की पुलिस, चंडीगढ़ की पुलिस ने एसआईटी गठित करी और आपके अपने विधायक के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। एक शराब घोटाले के अंदर जो शराब की पेटियां पकड़ी गई, 2-2 एसआईटी गठित की गई, ये विभाग भी आपके उप मुख्यमंत्री जी के पास है, उसकी जांच में 2-2 एसआईटी में आज तक कुछ नहीं निकला कि आखिरकार ये कहां गए, कहां पेटियां चोरी हो गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ एक्साइज ने जो पेटियां पकड़ी शराब की, जो अपने कब्जे में ली, वो गायब हो गई। आप किस मुंह से बात, ठीक है चलिए, आपकी सरकार है गठबंधन, ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके हैं, मैं जवाब विवेक जी से लूंगा। मैं सुमित्रा जी का रुख करता हूँ। सुमित्रा जी अभी हम लोग दीपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे, हालांकि जेजेपी को लेकर के बहुत सारे उनके सवाल थे, लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही साथ में कि देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, ये भी उनसे प्रश्न पूछा गया कि अभी जो चुनावी नतीजे आए हैं उसका क्या इंपैक्ट है। तो उन्होंने कहा राजस्थान के जो लगते हुए जिले हैं, देखिए वहां पर कांग्रेस के विधायक ज्यादातर जीते हैं और इसलिए हम हरियाणा में सरकार बनाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं। सुमित्रा जी जवाब दीजिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, नितिन जी की बात सुन रही थी मैं, जेजेपी के हमारे सहयोगी दल की भी बात सुन रही थी मैं, भारतीय जनता पार्टी के नतीजों से ही शुरू करना चाहती हूँ मैं, आपके माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। आज हिंदुस्तान की जनता का विश्वास सिर्फ एक ही पार्टी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर, और गरीब के साथ भारतीय जनता पार्टी है। ये 3 राज्यों ने बता दिया है कि देश में वो क्या चाहते हैं। अगर अंतिम व्यक्ति तक किसी को लाभ मिल रहा है, डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसे जाते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती है। ये विश्वास राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने दिया है। रही जींद जिले की ये जब बात कर रहे हैं हम, तो भारतीय जनता पार्टी मनोहर जी की सरकार ने अगर एक चीज आज स्थापित की है, तो वो मनोहर जी की सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, कि अंतिम व्यक्ति बिना
पर्ची बिना खर्चे लग सकता है गरीब का बेटा, ट्रांसपेरेंसी की सरकार है तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जींद जिले में विकास की अगर आज आप बात करेंगे तो 550 करोड़ रुपए की लागत से हैबटपुर में हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सड़कें बनी हैं, 2 RO भी बने हैं जींद जिले में, समस्त जींद जिले की बात आज हम कर रहे हैं। अगर विकास का बड़े कार्य हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात की जाए, आगे बढ़ाने की बात की जाए, कॉलेज खोलने की बात कीजिए और बच्चों को आगे बढ़ाने की, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही बात पे चलते हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबको आगे बढ़ाना ही प्राथमिक लक्ष्य है। ठीक है डाइनवाल जी, देखिए यहाँ सबकी अपनी अपनी बातें हैं भाई, पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपनी अपनी बात कहेंगे भी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल इसको कैसे देखते हैं? तो जींद को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है कि भाई इन्होंने उपेक्षा की, जिनसे अपेक्षा थी वो भी अब उपेक्षा कर रहे हैं, कोई बता रहा है कि ताले में जंग लग चुका है, कैसे देखते इसको इंडियन नेशनल लोकदल और आपको क्या नजर आ रहा है, कैसे देखा जाए इसको? देखिए जींद की बात करें तो चलो आपने टॉपिक खाली जींद का किया है, लेकिन आज पूरे हरियाणा की जनता परेशान है क्योंकि जो ये वायदे करके आए थे वो अकेले जींद के लिए नहीं, वो पूरे हरियाणा की जनता के साथ इन्होंने वायदा किया था, लेकिन वो वायदे केवल और केवल चुनावी वायदे बन गए। अब आपको भी ध्यान होगा कि किस प्रकार से जींद में जब उपचुनाव हुआ था तो जींद की जनता ने कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार था कहीं ना कहीं उनके बेटे को और अपनी पार्टी का टिकट देकर उन्होंने जिताने का काम किया और वहां की जनता को एक आश्वासन दिया था कि आप हमारे इस उम्मीदवार को जिताने का काम करें, हम जींद में सत्ता की चाबी सौंपने का काम करेंगे, हम जींद में मंत्री पद देंगे। क्या आज इनसे एक बार पूछिए कि जींद का उपचुनाव भी चला गया, दोबारा भी हो गया, लेकिन क्या कृष्ण मिड्डा जी को मंत्री बनाया गया? क्या जींद की जनता को जो उनसे वायदे किए गए थे वो पूरा किया गया था? उनके साथ साथ और भी लोग थे जो जींद की जनता से वायदे कर रहे थे कि हम जींद में हैं और उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी तो राजनीतिक शुरुआत है वहां पर, उन्होंने क्या जींद के लिए काम कर दिया? वो तो वही लोग हैं जो चौधरी देवीलाल वहां पर, उनमें इस पार्टी में वो भी लोग शामिल हैं जो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर वोट बटोरने का काम किया और जब उनकी किसानों को जरूरत पड़ी तो आप देखिए जिस प्रकार से किसानों ने आंदोलन किया था और किसानों ने जब उनको महसूस किया कि आज हमें चौधरी देवीलाल जी अगर होते तो वो हमारे लिए सत्ता छोड़कर एक साइड बैठ जाते, लेकिन उन्होंने जो जेजेपी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे वो भी मान लेंगे चीन के लिए कि उन्होंने सत्ता को न छोड़ के किसानों का भी साथ नहीं दिया और उस समय 750 किसानों ने साथ दे दी। वो लोग कब जीत के लिए उन्होंने क्या किया? अब वो बार बार जीत की बात करते हैं, हरियाणा में अपनी सत्ता की अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं, वो ये तो बताएं कि उन्होंने जो वायदे पूरे किए थे ना तो बीजेपी ने पूरे किए और ना ही जननायक जनता पार्टी है जो उनके सहयोगी है उन्होंने पूरे वायदे किए। जो लोग बार बार बात ये करते थे कि हम जनता को 75 जो निजी क्षेत्रों में 75% का आरक्षण देकर उनको रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से उनका वो भी धराशायी हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिस प्रकार से वो बार बार वो जो इनका बिल था जो इन्होंने कानून बनाया था उसको भी रद्द कर दिया, रद्द इसी वजह से थी, क्या उसमें कोई ना कोई खामी थी? ये हर जगह पर फेल है। अकेले जींद की बात करें तो जींद में इन्होंने बार बार अभी देख रहा था जींद के 19% और वो ये सिर्फ ये कहकर धरने पर बैठे हैं कि हमारा जो विधायक है वो 6 महीने से एस्टिमेट बने पड़े हैं और उन एस्टिमेटों पर काम नहीं होने दे रहे, तो ये क्या है? जींद के लोग तो वहां पर परेशान है, वो जींद के लोगों ने ये पता है कि वो हमें वोट तो देकर गलती कर दी लेकिन अब करें क्या, क्योंकि वो 2024 के इंतजार में बैठे हैं और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो बात कर रहे हैं जींद की जनता से कि आप हमें वोट दो, वो भूल क्यों रहे हैं इस चीज को कि उन्होंने तो जींद में अपना कांटा निकालने का भी काम किया था? तो ये लोग केवल और केवल जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, जनता की जो सुख सुविधाएं हैं, जनता की जो कल्याणकारी योजनाएं उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए इसके लिए ये प्रयासरत रहते हैं। असल में आज अकेले जींद की नहीं पूरे हरियाणा की जनता परेशान है कि किसी भी वर्ग की बात करें, अगर हम सरपंचों की बात करें तो सरपंच जब आंदोलन कर रहे थे तो सरपंच ये कह रहे थे कि हमें आपने चुन तो दिया लेकिन हमें पावर नहीं मिली, आज हम किसी भी हमें जब आंदोलन करने लगे
तो धरना प्रदर्शन करने लगे, तो इन्होंने उन पर लाठियां चलवाने का काम किया। चुने हुए प्रतिनिधि भी तो अगर ये बात कर रहे हैं तो कोई भी वर्ग इनके पास खुश नहीं है। खिलाड़ियों को जब इन लोगों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने खिलाड़ियों को, वैसे तो कहते हैं कि हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी थे उनको इन्होंने अपमानित करने का काम किया, उन पर लाठियां चलवाने का काम किया, उनको किस प्रकार से बेइज्जत करने का काम किया, वो किसी से छुपा नहीं हुए। आज हरियाणा की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और वो 2024 का इंतजार कर रही है किस प्रकार से इस निकम्मी और नाकारा बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जो सरकार है जो जनता को बरगला कर। चलिए रही बात, 24 का इंतजार तो खैर सब लोग कर रहे हैं और अब देखते हैं कि 24 में जनता किसके साथ खड़ी होती है, क्योंकि अभी तो 23 में भी बहुत सारे इंतजार हो रहे थे लेकिन अब 24 का भी थोड़ा इंतजार करते हैं। विवेक जी जवाब दीजिए। आयुष भाई, कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की बौखलाहट कह सकता हूँ, मेरे को बड़बोला कहने की बात कर रहे थे। वो बोलते बोलते यही नहीं पता उन्हें कि वो बात किसकी कर रही। उन्होंने बातों बातों में कहा कि SIT गठित कर दी, पुलिस पीछे लग गई, हरियाणा पंजाब की JJP के विधायक के पीछे। अरे कौन से विधायक के पीछे लग गई भाई, पहले सोच लो किसके बारे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। इन्होंने कहा शराब घोटाला हुआ जी, धान घोटाला हुआ जी, फलाना घोटाला हुआ। आपके नेताओं को क्यों सांप सूंघ गए थे? आपने कैमरे के ऊपर ये बात कही है तो उसके लिए भी तैयार रही है। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि किसी भी एक घोटाले का कोई फैक्ट दीजिए, विदाउट फैक्ट कोई बात ना कीजिए, और उसके बाद सभी नेताओं को सांप सूंघ गए। आज के दिन आप कहते हैं अगर कोई घोटाला हुआ, आप जाके अपने नेता से भी पूछना और आप अपने सीनियर लीडर से पूछो, अपने मीडिया सेल से पूछो, अगर एक घोटाले का कोई फैक्ट। आज बातों बातों में घोटाले से कुछ नहीं होगा। इन्होंने जिक्र किया 5100 पेंशन का, हमने पहले दिन से कहा है कि हाँ हम 5100 पेंशन करने के लिए बाधित हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं, अगर क्लियर सरकार होती एक मिनट से पहले होता। ये अभी बात कर रहे थे एक साथी और 75% आरक्षण, इनको ये नहीं पता कि इनके नेता की भी सहमति से वो बिल हाउस में पास हुआ था। आज ये उस बिल को गलत बता रहे, आज कहीं ना कहीं इन्होंने, अरे सुनिए भाई सुनिए, मैं आपकी बारी में बड़ी शांति से बोला, आपने जीत का जिक्र किया, सुनिए 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 रजवंत जी सुनिए सुनिए, आप ही के प्रवक्ता डिबेट पे बैठ के ये कहते थे कि ये कानून हमने बनाया था, आपके प्रवक्ता डिबेट पे बैठ के ये कहते थे कि ये कानून तो हमने पहले ही बना रखा है, पहले पढ़ के आइए। आपने जीत का बड़ी बड़ी जिक्र किया, आप ये बताना भूल गए, आप ये बताना भूल गए कि आपकी पार्टी को भी चींद ने तोहफा देने का काम किया, 3454 जो नाम आपका पड़ा था वो जींद नहीं देने का काम किया, 3454 वाली पार्टी आप ही की थी। आज के दिन ये बातें तो कर रहे हैं बारी बारी, मैं बताना भी चाहूंगा, मेरे साथी बोल रहे थे हमने ऐसे किया हमने वैसे किया, ये वही दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं। मैंने पूछा था एक चुनाव बताए जो इनके फादर जब चीफ मिनिस्टर थे उसके बाद कोई जीतते हो, कोई जवाब नहीं आए। ये वही दीपेंद्र हुड्डा थे जो कह रहे थे मारुति गुजरात में चली गई फिर कहने लगे वापिस आ गई, वहां तो पानी में मॉइस्चर था, आज कैसे मारुति यहाँ प्लांट लगा रही है और वहां लगा रही है उस खरखोदा में लगा रही है जिस खरखोदा को इन्होंने रिसोर्ट्स बनाने के लिए रखा हुआ था, उस खरखोदा को बना रही है जहां इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रखा हुआ था। हम तो सम्मान विकास करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जींद में क्या किया आप लोगों ने? ये भी तो सवाल नितिन जी ने उठाया ना, बता रहे कि हमारे समय में तो हमने ये काम किए लेकिन आप लोगों को उससे जो आगे बढ़ाना था वो तो आपने किया नहीं। काम कहां किए, काम किए, ये बारी बारी किसानों का जिक्र करते हैं, किसानों की जमीनें लूट के जीजा जी को देने का काम किया हमने किसानों के लिए, अभी कह रहे थे किसानों के साथ धोखा किया। अरे हमने अगर धोखा किया तो हमने 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पेमेंट पहुंचा दी, वो धोखा हो गया क्या? आपकी तरह नहीं कि दो दो महीने पेमेंट नहीं मिलती थी, आपकी तरह नहीं कि दो दो रास्ते किसान को मंडी में लगानी पड़ती थी, किसान मंडी में जाता है साथ के साथ फसल बेच के अगले 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पेमेंट आती है, अगर ना आती है तो बताए। आज के दिन आप बात करते हैं हमें किसान विरोधी बताने की, अरे आपने किस तरह जीजा जी को जमीनें दी और किस तरह 2-2, 4-4 रुपए के चेक देके किसानों की बेइज्जती करने का काम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने कहा किए वादे और पूरे नहीं किए, हम बताते हैं हमने वादे पूरे किए, हमने 75% का जिक्र किया था विधानसभा में, सभी की सहमति से बिल पास हुआ। कोर्ट ने चैलेंज किया, एक मेरे भाई बोलते बोलते ये भी भूल गए, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने भी उड़ा दिया। भाई हाई कोर्ट ने
जो कार्रवाई की है उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आपको पता होना चाहिए, पढ़ के आया कीजिए। आज अगर हमने 50% महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की थी तो हमने देने का काम किया पंचायती राज संस्थाओं में। आज हमने 33% आरक्षण महिलाओं को राशन डिपो में देने की बात की थी, हमने देके दिखाया। आज अगर युवाओं के रोजगार की ये बात करते हैं, उनके रोजगार के लिए ठीक है, लेकिन विवेक जी मुख्य सवाल तो खाली उनका पेंशन जो आप लोगों ने वादा किया था और 75% आरक्षण वाला, तो इस पर मुझे लगता है ज्यादा फोकस था क्योंकि ये दो बड़े वादे थे आपके। ठीक है, अभी मैं तरह नहीं है कि विदेशों में जाके और छुट्टियां मनाने पे लगे हैं, मैं जवाब तरह नहीं है। ठीक है, चलिए विवेक जी अभी आप नितिन जी से जवाब लेते ना। ठीक है, अभी नितिन जी ठीक है, तो उस टाइम इनकी जुबान तला जाती है। विवेक जी मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब देगी, जनता के बीच में आप भी जाएंगे ये भी जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल नितिन जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो शायद मेरे साथी प्रवक्ता भूल गए इनके पार्टी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, हम सबसे पहले फिर उनके घर की ही बात करेंगे, जींद की। चुनाव लड़ा, चुनाव के मैनिफेस्टो में मंचों के माध्यम से घोषणा करी कि जींद को हरियाणा की राजधानी बनाएंगे, बनाया राजधानी। दूसरे नंबर पर जींद की जनता को गुमराह करने के अलावा दुष्यंत चौटाला जी और जेजेपी ने कुछ और नहीं करा। वहां पर घर घर तक आरओ का पानी, मेरे पास उनका लिखित में उनका, अब आप बीच में फिर बोलेंगे आप नहीं, आप अपनी आदत से मजबूर हैं। आप बीच में जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोला बीच में, कोई आप बीच में नहीं बोला आयुष जी। आयुष जी ठीक है, एक सेकंड, जब आप अपनी बात रख रहे थे मैं आपके बीच में नहीं बोला। बात सुनिए जेजेपी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने उचाना के साथ, आज उचाना में एक एक महीना हो जाता है, इन्हें बोलने दीजिए, ये बोल लेंगे, ये अकेले बोल लेंगे। नहीं नहीं विवेक जी मैं बताता हूँ, नहीं ये बोलते रहेंगे, ठीक है विवेक जी आपने बता दिया, विवेक जी आपने बहुत सारी बातें बता दी, अभी नितिन जी का समय, ठीक है अभी नितिन जी का समय, एक सेकंड विवेक जी आपने बहुत सारी बातें बताई लेकिन मुझे उसका जवाब लेना ना। नितिन जी आप सुनी नहीं रहे, बोलने की आदत है, सुन लीजिए नितिन जी, एक महीना हो जाता है, टोकते रहिए, टोकते ही आपका जीवन निकल जाएगा जेजेपी का, टोकते। धन्यवाद आपका। तहसीलदार नहीं होते जींद के अंदर, उचाना हलके में तहसील के अंदर 30-30 दिन निकल जाते हैं, तहसीलदार सीट पर नहीं होते। वहां के लोग अपनी गिरदावरी के लिए लगातार परेशान हैं। लोकल मुद्दों में इतना झूठ बरगलाने का काम करा, घर घर तक आरओ का पानी पहुंचाएंगे। मेरे हाथ में उनका पर्चा, उनकी वीडियोज है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा विवेक जी, जिसमें मंचों के माध्यम से दिखा दो हाथ में कि घर घर तक, अच्छा दिखा दो कहां है, घर घर तक आरओ का पानी पहुंचाएंगे, घर घर तक आरओ का पानी पहुंचाएंगे। हाथ में दिखा दो, आज तक जींद के अंदर एक भी कॉलेज बच्चों के लिए आज तक राजधानी बना दी जींद आपने, राजधानी बनाने का काम किया जींद को आपने। आप दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला करेंगे, आपकी जमानत जब हुई है नहीं, लेकिन नितिन जी भाई वो तो बार बार ये भी कह रहे हैं कि एक भी चुनाव उन्होंने कहा कि भाई भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद क्या जीता दीपेंद्र हुड्डा ने। सरकार बनाना और गिराने का आपका योगदान है, आप क्षेत्रीय दलों को आईना दिखाने का काम जनता ने किया है और क्षेत्रीय दलों को दोबारा से जनता आईना दिखाने का काम करेगी। आपका प्रारूप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चारों राज्यों के अंदर जो क्षेत्रीय दलों का प्रारूप है वो निकल के आ चुका है कि आपने किसानों के टाइम पे आपके मुंह में दही जम गई और वही एक अकाली दल था जिसने एनडीए के साथ अपना गठबंधन तोड़ा सिर्फ किसानों के मुद्दों पे, जब आपके मुंह में दही जम गई, जब हरियाणा में किसानों को आप लोग 2-2 रुपए का चेक देते थे। अब देखिए इस पर काउंटर ये है कि आपको हरियाणा में 2-2 रुपए का चेक देते थे, अब आप 2-2 रुपए का चेक देते थे, आज आप किसान की चिंता कर रहे हैं। एक सेकंड विवेक जी आपने सरपंचों को सड़कों पर, सरपंचों को पीटने का काम आपने करा, आपकी सरकार ने करा। आप बात करते हैं दीपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। आज के दिन किसान मंडी में ठीक है, सुमित्रा जी ठीक है विवेक जी एक सेकंड सुमित्रा जी, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने विकास किया, आप तो अभी ये भी कह रही थी कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो ये बात हो रही कि पूरे प्रदेश के अंदर हर वर्ग आपसे परेशान है। और ये बात अभी देखिए रजवंत नैनवाल जी भी बता रहे थे, भाई अगर आप सबके हित की बात कर रहे हैं तो फिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों है लोग? ये लोकतंत्र का प्रदेश है, ये देश है लोकतंत्र का, हम चुनावी मुद्दे लेकर जाएंगे, सभी राजनीतिक दल है, हमने जो किया समान विकास किया लेकर जाते हैं और रिजल्ट जनता ने दिया।
लेटेस्ट हुड्डा साहब ने कहा कि हरियाणा में मध्य प्रदेश मॉडल लागू करेंगे, हम भी कहते हैं मध्य प्रदेश मॉडल लागू करेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में, इस देश के नौजवान की, महिला की, गरीब की, आम जन की राय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सुमित्रा जी, आप तो कह रहे हैं कि आपने काम किया, लेकिन भाई देखिए विपक्ष को ये कहता है कि आपने हरियाणा को बेरोजगारी में देखिए नंबर वन बना दिया। मनोहर लाल जी के साथ, मनोहर सुमित्रा जी, क्राइम कहते हैं बढ़ गया, कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, हरियाणा जिन चीजों में नंबर वन होता था उसमें पीछे हो गया और बाकी चीजों में नंबर वन हो गया, ये आंकड़े रखते हैं भाई विपक्ष वाले। अब इसका क्या जवाब देंगे आप सुमित्रा जी? इलाके का विकास नहीं करता, समस्त हरियाणा का विकास करता है, सभी को आगे, अंतिम भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की भावना से काम करती है। जो व्यक्ति अंतिम बैठा हुआ है वो मुख्य धारा में आए, सबका साथ एक साथ किया जाता है। आज उज्ज्वला जैसी स्कीम देखकर, अगर सही मायनों में, चाहे महिला को ही, मैं एक महिला हूँ, अगर 50% लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दिया लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। अभी मेरे भाई नितिन कह रहे थे, अगर सही मायनों में विकास करूं, आज दुश्मन भी मनोहर लाल जी की, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की कसम खा सकता है, खा सकते हैं कि अगर सबके साथ, चाहे विपक्ष का विधायक भी उनको कोई कार्य बताता है तो वो करते हैं। विकास हरियाणा का समान विकास के नाम से जाना जाता है तो सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। सुमित्रा जी, फिर ये किसान या नौजवान परेशान क्यों है और क्यों इस तरह के विरोध प्रदर्शन फिर बार बार हम लोगों को देखने को मिलते हैं, अगर आप ये कह रही हैं कि आप सबका विकास कर रही हैं तो? देखो, विकास के साथ एक निरंतर प्रक्रिया है, अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी किया जाता है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज हर व्यक्ति मुख्य धारा में आए, निरंतर एक प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहा है और मैक्सिमम ये कहना चाहती हूँ मैं, लोगों तक लाभ पहुंचता है। अगर कहीं पर कोई कमी छूट जाती है तो देखा होगा कि मुख्यमंत्री स्वयं जाकर आज हर जिले में, गांव में, मंडल में जाकर पूछते हैं और तुरंत समाधान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। डहिनवाल जी, अभी देखिए नितिन जी ने एक बात कहते कहते ये भी कहा कि भाई देखिए अब क्षेत्रीय दलों पे जनता बहुत ज्यादा भरोसा कर नहीं रही, रिलाई कर नहीं रही, कम से कम अभी जो चुनाव हुए उसमें दिख रहा है। हालांकि वो जेजेपी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय दल तो आप भी हैं, फिर कैसे देखें इसको? देखिए क्षेत्रीय दल की बात नहीं होती, बात होती है कि जो जनता के बीच में रहता है। अब जेजेपी की वहां पर क्या हालात है वो तो जेजेपी वाले बताएंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर इन्होंने देखा है ना कि हरियाणा में किस प्रकार से झूठ की बात करके और वो सत्ता में तो बैठ गए, लेकिन राजस्थान की जनता, हरियाणा के लोग वहां पे सच में हैं तो उनको पता है कि वहां पर झूठ बोलना तो यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये बार बार विकास की बातें कर रहे हैं, ये वही सरकार है जहां पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग पर 5 लाख रुपए का सरकार पर जुर्माना लगाया है कि 5 लाख का जुर्माना इस चीज के लिए लेकर है कि इन्होंने खुद एफिडेविट देकर ये कहा है कि हमारे पास 131 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है और ये कहते हैं कि हमने घर घर पानी पीने के लिए दिया है, वहां पर स्कूलों में पानी नहीं है, वहां पर इनके 236 स्कूलों में बिजली नहीं है, ये कहते हैं कि हमने हर गांव में बिजली पहुंचा दी जबकि स्कूलों में बिजली नहीं ले पाए, 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है और ये कहते हैं कि हमने पूरे देश में शौचालय बना दिए। बार बार यही तो कहते हैं ना, शौचालय बना दिए, लेकिन अब हकीकत तो ये आई है कि जिस कदार के लिए आगे बढ़ते थे कि शौचालय बना दिए, लड़कियों के स्कूल में शौचालय नहीं है। इनके हालात तो इतने बुरे हैं कि आज देश का युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो नशे की गति की ओर जा रहा है और ये कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। अगर बढ़िया काम कर दिया था, युवाओं को अगर रोजगार मिलता है तो ये नशे का जो कारोबार लगातार बढ़ रहा है इसको रोकने का काम कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। जहरीली शराब से जब हरियाणा की जनता अगर मर रही है, यमुनानगर और अम्बाला की जब युवा मर रहे हैं, वहां के लोग मर रहे हैं और सरकार वहां पर निश्चिंत होकर बैठी है कि इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं हो रही, तो आप ये सोच के देखिए कि यहाँ पर विकास वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल और केवल जनता को किस प्रकार से ये बरगलाया जाए, किस प्रकार से उनकी वोट उठाई जाए। डहिनवाल जी, वजह क्या है? 2 दशक लगभग होने को आ गए, 2 दशक लगभग होने को आ गए और इंडियन नेशनल लोकदल पे प्रदेश की जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम जींद की बात कर रहे थे, अभी जींद से भी एक बात कह देता हूँ,
कि जींद में आपने देखे जींद की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल पे हमेशा विश्वास किया है, पूरे हरियाणा ने विश्वास किया है। 2009 में 5-5 सीट इंडियन नेशनल लोकदल के पास थी, और 2014 में जब हुआ चुनाव तो वहां पर भी जींद की पूरी भागीदारी थी, लेकिन एक विकट परिस्थितियां ऐसी आई कि वहां पर पार्टी के दो भाग हो गए और वहां पर जो एक बंटवारा होता है तो निश्चित तौर पर नुकसान होता है। और लेकिन अब देखिए 2024 में जींद की जनता किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आती है, क्योंकि जब परिवर्तन यात्रा जब शुरुआत हुई तो उसमें जींद की एक बड़ी भागीदारी थी, और अब जब दोबारा हमारी रथ यात्रा आएगी तो जींद के लोग, जींद से ही हर चीज का आगाज होता है, जींद से ही शुरुआत होती है। चलिए ठीक है, जींद से एक बार जनता का विश्वास विवेक जी काम करेगी, ठीक है, हरियाणा में 2024 में इंडियन नेशनल, चलिए 24 का हम फिर इंतजार करेंगे। विवेक जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं सुन रहा था कांग्रेस के साथी बारी बारी दपिंदर हुड्डा, मैं बार बार पूछ चुका हूँ, शुरुआत से पूछ रहा हूँ, कोई एक चुनाव ऐसा हो जो पिताजी के मुख्यमंत्री रहने के बाद जीता हो, इनके पास जवाब नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं, किसानों के लिए हमने किसानों को 48 घंटे में पेमेंट देने का काम किया। इनकी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, इनकी कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, इनकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी। इनसे ये पूछिए कि इन्होंने कितनी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया, जो अपने आप को आज किसान हितैषी बताने का काम करते हैं, इन्होंने कितनी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया। हम आज बड़े उससे कहते हैं कि 14 फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहे हैं, भावांतर योजना के तहत हम फसलें खरीदने का काम कर रहे हैं, सब्जियां खरीदने का काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते? हम तो किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहे। जो बारी बारी कहते हैं कि इन्होंने किसानों का ऐसे कर दिया, किसानों का वैसे कर दिया, मैं शुरू ढंग से एक ही बात कहता हूं, इनका काम है विरोध करना, विरोध के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये वही भूपिंदर सिंह हुड्डा की वकालत कर रहे हैं जो 2019 के चुनाव से पहले सभी कांग्रेस पार्टी की फोटोएं हटा के और रैली करके कहते थे कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। ये वही बाबू बेटे की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस को, चलिए विवेक जी मुझे लगता है कि अब और ये आपको जनता पर छोड़ना चाहिए और जनता ही इसका निर्णय करेगी कि आखिर आप जो बात कर रहे हैं उसके साथ जनता है या जो बात नितिन जी कह रहे हैं उसके साथ जनता है या डहीनवाल जी के साथ या सुमित्रा जी के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब अलग अलग तरह से बयानबाजियां आप देख रहे हैं कि हो रही हैं, चूंकि अब चुनाव नजदीक हैं, लेकिन देखना यह है कि जनता इसका जो निर्णय है, जो फैसला है, वो कैसे करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ